थी और ये बीच रोड पर ही गाड़ी खड़ी थी और पीएनसी के जो लोग थे हाईवे 30 वालों ने यहाँ पर ये चीज़ लगा दी है ताकि लोगों को नज़र आए कि ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन नज़र आएंगी तब जब उजेला होगा। रात्रि के अंधेरे में देखिए दूसरी घटना ये हो चुकी है। ये कानपुर नंबर की कोई गाड़ी है जो जा रही थी और इस खड़े ट्रक पे जाके भिड़ गई है, देख पाएंगे यहाँ। कल हमने उनसे बात भी की थी जो हाईवे 30 के लोग थे, उनसे बोला भी था हमने कि ये गाड़ी हटवा दी जाए, या और स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी हमने कहा था कि गाड़ी हटवा दी जाए ताकि कोई जो है दूसरा ऐसा हादसा ना हो, लेकिन लापरवाही के चलते ये दूसरा हादसा देखने को मिल रहा है। अब शायद मुझे लग रहा है आगे और भी कितने हादसे का इंतजार कर रहा होगा प्रशासन और ये हाईवे 30 के लोग। क्या ये जानबूझ से ऐसा हादसा करवाना चाहते हैं? इसमें आपका क्या कहना है, आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनमें सुधार होना चाहिए कि नहीं सुधार होना चाहिए? देखेंगे आप पूरी ये जो हम हाईवे जो दिखा रहे हैं आपको, गाड़ियां लगातार वहां से आ रही हैं, वो तो अपनी साइड से जा रही हैं, लेकिन इस साइड से आगे जाने वाली गाड़ियां पूरा जो है यहां खड़ी हुई हैं, तो वो गाड़ियां देखिए पीछे ही पूरी जो है पार्क कर देनी पड़ती हैं, क्योंकि जब ये गाड़ियां यहां से निकल जाएंगी तब इसके बाद में ये गाड़ियां धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जो हाईवे का आधा हिस्सा ही चल रहा है और आधे हिस्से पर ये दोनों ट्रक जो है खड़े हुए हैं, जो इस समय क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। देखेंगे अब ये धीरे धीरे करके ये गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। देखिए ये ट्रैक्टर वाले भैया है, देखिए कितनी आसानी के साथ ट्रैक्टर चलाते हैं। ये देखिए वो आपका तंबू रखा का रखा भैया, देखिए साजी के साथ निकाल के ले, कितने फास्ट सुपर ड्राइवर हैं। देखें इस तरीके के लोग हमारे यहाँ पर जो है मिलते हैं, कमी है ना जो, नहीं तो ये तो हवाई जहाज़ भी ऐसे उड़ा दें। चलिए और भी चलते हैं और कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। आपका इसमें क्या राय है, आप भी अपना कमेंट करके ज़रूर दें, अपनी राय दें। ये देखिए बताते चलें कि ये जो हाईवे 30 वालों की जिम्मेदारी रहती है हाईवे को खाली करवाने की, घटना से 2-4-6 घंटे के अंदर ही हाईवे को खाली करवाना होता है, लेकिन अभी तक ये गाड़ियाँ नहीं हटवाई गई जिसके चलते ये दूसरा हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है हादसा अभी कितना और आगे जो खतरनाक हो सकता है। अभी तो मान लीजिए दो ही घटनाएं हुई हैं, अभी और भी घटनाएं हो सकती हैं। ये बड़ी घटना है तो जानकारी हो गई, इससे पहले भी एक दो लोग टकराते हुए बचे। देखिए वो भैया लोग खड़े होकर देख रहे हैं, देख पा रहे हैं किस तरीके से जो कितना दर्दनाक हादसा हुआ है यहाँ पर जो है, लेकिन हादसे होते रहेंगे और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो ऐसे ही सोते रहेंगे। अरे रुकिए भैया, अरे ये जो हादसा हो गया, क्या लगता है आपको कैसे हादसा हो गया होगा? हमें नहीं मालूम भाई साहब, अभी हम यहाँ से निकले हाँ। तो हमने देखा कि हमने कहा ये तो बहुत बुरा जो तो हादसा है हाँ। कैसे क्या है ये कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने कहा रोक लेते हैं। अच्छा ये बताइए, जो जला हुआ ट्रक खड़ा है हाँ। ये जो है 2 दिन पहले इसमें आग लगी थी, जिसकी सूचना पुलिस को भी है और ये जो हाईवे के लोग हैं हाईवे अथॉरिटी वाले उनको भी जानकारी है। इसे हटाना चाहिए था कि नहीं हटाना चाहिए था? बिल्कुल हटाना चाहिए था, बैंगल लगा हुआ था। हम लोग जा रहे थे शादी में, बहुत साफ इधर भी जाम लगा था, इस तरह से परेशान ना होना चाहिए, मतलब एक तरफ करवाना चाहिए साहब। उनकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें हटाने की, भाई वो गाड़ी खड़ी रहेगी दूसरा हादसा होगा स्वाभाविक, बिल्कुल करवा देना चाहिए। कल हमने उनसे बात भी की, उनसे बोला भी भैया बहुत घटनाएं होती हैं, पहली बात तो इस हाईवे पे ही गाड़ियां तमाम चलती हैं है ना, तो बोले कि नहीं हटवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हटवाया गया। कल ही हमने बात की थी, आज फिर हादसा हो गया। ये जो है हमारे जो है थाना प्रशासन की गलती है, जो मतलब जो ये गाड़ी इस तरह से हो रही है और हादसा मतलब होने का कगार नई मतलब व्यवस्था बन रही सर, इसमें जिम्मेदारियां भी जो प्रशासन की होनी चाहिए, ये सब जो हादसे हो रहे हैं इनको हटवाना भी चाहिए। बिल्कुल, कल यहाँ से गुजरे साहब यहाँ भी बहुत जाम था, जाम होगा ही जब आधा हाईवे तो ये खराब गाड़ियों ने इन्होंने जो है एक्सीडेंटल वाहनों ने जब कब्जा कर रखा है, आधे हाईवे से निकलते हैं, हाईवे भी इतना चौड़ा नहीं है, 4 लेन होना चाहिए, 2 लेन है ना, इसी तरीके से तो देखा आपने आपकी क्या जी उसमें नक्शे में चल रहा है कि 4 लेन है ये। हाँ हाँ बिल्कुल सही, 4 लेन है नहीं। हाँ 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 केवल लिखा पढ़ी में है कि 4 लेन हो गया है। हाँ बिल्कुल, देखा तो इस तरीके से यहाँ जो प्रशासन हादसे का इंतजार करता है और जब हादसे हो जाते हैं तब फिर उसका पछतावा भी करता है, पछतावा इतना के बराबर होता है, क्योंकि जो भी इसमें जो है जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ होता है, जो लोग जो घायल होते हैं, जो लोग मृतक हो जाते हैं, वो उनके घर परिवार से नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं है कोई, भाई एक हुआ है दूसरा होगा तीसरा होगा, होते रहेंगे, उनकी लिखा पड़ जाएंगे जा रही है चलती रहेगी, क्या दिक्कत है? आप अपना बताइएगा ये हमारा यहाँ से ऐसा प्रयास जो है कैसा रहा और इसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। भैया
कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे हैं। अच्छा, ये हादसा देखकर कैसा लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा? ये क्या बताएं, क्या हुआ वो, ये हादसा तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, जो जला हुआ ट्रक है, दो दिन पहले जला था, इसे हटवाना चाहिए था, नहीं हटवाना चाहिए था? क्या इसी ट्रक की वजह से वो हादसा हुआ होगा? बिल्कुल हटवाना चाहिए, तो रोड में है। हाँ, तो क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही मानते हैं, किसकी कमी है? नहीं अंदाजा लगा पा रहे हैं, अंदाजा क्या, हटवाना चाहिए उनको। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, हाईवे वालों की भी जिम्मेदारी बनती है, हटवाना चाहिए ना। तो नहीं हटवाया गया तो दोबारा हादसा हो गया, दोबारा भी हो सकता है, मान लो रोड में है तो दोबारा हो सकता है, दोबारा होगा। अब फिर भी प्रशासन नहीं हटवाएगा तो फिर चौथा भी होगा, है ना? होगा। हाँ, और वो प्रशासन को जिम्मेदारी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके घर परिवार के लोग नहीं है, है ना? दर्द तो उसी को होता है जिसके घर परिवार के लोग होते हैं। चलिए, अच्छा लगा, आप जो हेलमेट लगाए हुए हैं, बढ़िया जो है, जूते मोजे सारा कुछ आप जो एकदम फिट हैं। देखिए, ये भैया हैं, कहाँ से भैया आप? बरुआ सुमेरपुर से। चलिए, हमीरपुर जा रहे हैं अब, बढ़िया जो है, देखिए ये लोग फिट होकर एकदम घर से निकले हैं। जय हिंद। आप बताइएगा, ये प्रयास हमें आपको जो है कैसा लगा? हमारा जो प्रयास तो छोटा सा, कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा दिखाने का, और बाकी जिन लोगों की जिम्मेदारी होना तो बुरा लगेगा ही, खैर कोई बात नहीं। जय हिंद। ड्राइवर बच हो गई यार, चांस नहीं दिख रहा है हमें, कंडक्टर को बच हो रहा है। काफी लग गया होगा उसके भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।